आहिल चलिए उठिए। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। आहिल देखिए आप उठिए। स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। आहिल देखिए कब खाना खाएंगे फिर कब दवा खाएंगे। यू नो प्लीज सुबह सुबह मुझे उठाया मत करो। ओके चलिए उठिए जल्दी। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जस्ट लेट मी स्लीप। प्रॉब्लम ये है कि आपके नहाने का वक्त है, उठिए नहाइए कुछ खाइए और फिर दवा खाइए। तो क्यों राइट कहाँ जा रहे हैं? नहाने। ये देखिए स्पंज बाथ देना है आपको। स्पंज बाथ? सनम मेरे हाथों और मेरे अपर टॉर्सो में जख्म हुआ है, मेरे पैरों पर नहीं। आई कैन वॉक और मैं नहा सकता हूँ, अंडरस्टैंड दैट? डॉक्टर ने कहा है कि आपके जख्मों पे बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए, इसलिए आराम से बैठे। You know what? I don't need your help. तो ठीक है, मुझसे नहीं करवाना कोई बात नहीं। लतीफ को बुलाओ। लतीफ वो कर देगा ना। बुलाओ बुलाओ।
जब से मिले बन गए दिल से वे। हाय अल्लाह, लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। आहिल बेटा। सनम, माना कि तुम और आहिल बाबा मियां बीवी हो, पर कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेती, या फिर खुद पर इतना भी काबू ना रहा कि कुंडी लगा सको। चुप रहो लतीफ। हाय अल्लाह, मैं तो शर्म से मर जाऊंगी। आहिल बेटा, क्या तुम सचमुच में बिजी हो? हम बाद में आए। अरे नहीं नहीं, अम्मी वो मेरा पैर स्लिप कर गया। हाँ, वो मुझे स्पंज बात दे रही थी। वो पानी गिरा हुआ है नीचे। और एक्चुअली वो अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो हम तुम्हें ना बहुत बड़ी खुशखबरी देने आए थे। वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं, बस तुम दोनों के साइन बाकी हैं। जैसे ही तुम दोनों साइन कर दोगे ना, उसके बाद तुम दोनों को ये मियां बीवी बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। ये निकाह पूरी जिंदगी का रिश्ता ना होकर सिर्फ 3 महीने का हो तो ये लो रेशमा। अरे जुनैद, तुम्हारे तो एग्जाम हो रहे थे ना, अच्छे नंबर लेके आए हो या इस बार भी 0 मिला है? अच्छे नंबर आए। अरे तुम्हारा तो कोई डांस कंपटीशन था ना, तुम डांस करने वाले थे, कैसा रहा? अच्छा रहा, प्राइज मिला? कैसे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वैसे तुम्हारा चेक आने में कभी देरी नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो उस जगह के बारे में कुछ करना चाहते हैं जहाँ से वो निकल के गए हैं। भले ही मेरी अम्मी मुझे यहाँ से लेके गई हो, पर कोई इस जगह को कैसे भूल सकता है? बचपन की यादें तो बचपन की यादें होती हैं। बेटे मुझे याद है जब तुम्हें ये पता चला था, तुम कितने हैरान हुए थे कि वो तुम्हारी अम्मी है। बस आज भी उतना ही हैरान हूं कि वो मेरी अम्मी है। मैं ये 1.5 लाख रुपए का चेक है, गणपति आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि आप बच्चों के लिए कुछ खास करें। बेटा जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगी। गणपति आ रहे हैं, तुम आओगे ना जरूर? मैं आना तो चाहता हूँ, पर काम के सिलसिले में थोड़ा फंसा हूँ। वो 100 किलोमीटर यहाँ से दूर हम एक 5-स्टार होटल बना रहे हैं और उसका सारा सुपरविजन मेरे ऊपर ही है। हर दिन लाखों के कैश में डीलिंग होती है और मैं अकेला ही हूँ संभालने के लिए, तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। समझ सकती हूँ बेटे, मौका मिलेगा तो जरूर आना। जी जरूर। खुदा हाफिज़। तो वही लड़का है जो कैफे में मुझे क्या सनम कह के बुला रहा था। अच्छा जी, बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़ी गाड़ियां।
डेढ़ लाख का चंदा और लाखों की डीलिंग सुनहरी, और कितना इशारा चाहिए तुझे ये समझने के लिए कि ये है तेरा अगला बकरा। थैंक यू पापा। मुझे कुछ चाहिए ना, तो आजादी चाहिए आपसे। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं तो मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर ही ठीक हूं मैं। अब मुझे भी अपनी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं। उनकी जिंदगी पर अल्लाह मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए हर उस बात के लिए जो मैंने उनके खिलाफ कही। हाय अल्लाह, एक साइन करने में इतनी देरी। ये मोहब्बत भी है ना, हाय बड़ी कमीनी चीज है, हो ही जाती है। अब तेरा क्या होगा बिल्लो रानी? हो गया। देखो तुम लोगों को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारे पेपर्स अच्छे से चेक कर लिए हैं, सब ठीक है बेटा। अब बस तुम दोनों साइन कर दो। ये सब कुछ हम अपने अपने घर को बचाने के लिए कर रहे हैं, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सनम, सिर्फ तुम हो जो हमारे घर को बर्बाद होने से बचा सकती है। सनम, अब साइन कर दिया तुम? जी बस कर रही हूँ। अब कर दिया साइन? अब ठीक हो गया। ला हमें तो अब आहिल बेटा, अब तुम भी साइन कर दो। ये लो। कमाल है, नचू नचा बस ऐसे ही पेपर साइन कर दिया। जी हमें आहिल बेटा, देखो कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा और सही है ना, तुम आराम करो। अगर उन दोनों ने साथ रहने का दिल बना लिया तो, अगर उन्होंने निकाह तोड़ना ही ना चाहा तो, और अगर उन दोनों को मोहब्बत हो गई तो। आहिल के हाथ में कितना दर्द हो रहा है, एक एक साइन ही तो करवाने हैं, कुछ दिनों के बाद करवा लीजिएगा। लगता है इस चीटी के पर निकल आए,
इससे पहले कि ये हमारे सर पर मंडराना शुरू करे, हमें इसके पर काटने होंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर रेहान इमरान कुरैशी। एक मालिक और एक मुलाजिम के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है। आहिर चला जाता रेहान, लेकिन अगर वो चला गया ना तो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स फिर से अटक जाएंगे और हम नहीं चाहते। तो हमने और आहिल ने सोचा कि अगर तुम चले जाते तो हेलो सनम,